हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। आज उसमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपने को। ओके, वी विल स्टार्ट। फर्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड। रेन कैसे चेंज हो गई और लेंचो फील्ड में क्या हुआ। द रेन वॉज प्योरिंग डाउन बट Suddenly a strong wind began to blow। अचानक से एक strong wind मतलब एकदम जोर से हवा बहने लगी। And very large hailstone begins to fall along with the rain। All the crops in Lencho field destroyed। फिर अरे बहुत बड़े से झाड़ का वो रूट होता है वो एकदम आके फील्ड पे गिर गया तो लेंचो के फील्ड के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए। नंबर टू, व्हाट वेर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब हेल स्टॉप हुई तब लेंचो ने कैसे फीलिंग की। आफ्टर हेल स्टॉप लेंचो शॉल वॉस फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो एकदम सैड हो गया। ए कुड सी ए ब्लिच फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और फिर वो अपना फ्यूचर और उसके फैमिली का फ्यूचर एकदम बैड समझ रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर कमिंग ईयर। और वो आने वाले ईयर में फूड कैसे कमाएगा उसके बारे में सोचने लगा। नंबर थ्री, Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Answer: Lencho had faith in God. Lencho भगवान में मानता था। He believed that God eyes see everything. वो मानता था कि भगवान सब देखते। Even what is deep in one conscience. और जो हो रहा है वो भी देख रहे। He wrote a letter to God saying that he need 100 pesos to sow his field again। उसने गॉड को लेटर लिखा और बोला कि उसको 100 एकड़ की ज़मीन चाहिए थी उसके फील्ड को वापस से ग्रो अप करने के लिए, मतलब उसके क्रॉप को वापस से ग्रो अप करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पेज, Who read the letter? किसने लेटर पढ़ा। Postmaster read the letter। Number 5, What did the postmaster do then? लेटर पढ़ने के बाद postmaster ने क्या किया। The postmaster first laughed, पहले वो हंसे, but then he became serious, फिर वो serious हो गए। He was deeply moved By the writer faith in God। फिर वो एकदम डीप में बहुत सीरियस हो गए कि राइटर ने गॉड को इतना अच्छा लिखा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ। और वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। फिर उसने डिसाइड किया कि मनी कलेक्ट करके लेंचो को दे गए कि वो उसको फील्ड में वर्क काम आ सके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक्सरसाइज रखते, रिमेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आपका होमवर्क है प्रैक्टिस वन टाइम इन नोटबुक। मैंने आज जो करवाया वो वन टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में। ओके, थैंक यू।